हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मीनाक्षी। और आज की हम अपनी इस वीडियो में करते हैं क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 6, लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। एज यू नो स्टूडेंट्स दैट प्लांट्स नीड टू ट्रांसपोर्ट मेनली वाटर, मिनरल्स एंड फूड। और जो वाटर और मिनरल्स जो होता है वो एब्जॉर्ब किया जाता है फ्रॉम द सॉयल बाय द रूट्स। और जो फूड होता है इट इज़ प्रिपेयर्ड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होता है, ये क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है, फ्रॉम द लोअर पार्ट टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, मतलब डाउनवर्ड टू अपवर्ड होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। ओके, और जो यहाँ पर ये आपका जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है, ये क्या होता है, बाई डायरेक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी लीफ के अंदर अगर फूड बनेगा तो वो कहाँ पर जाएगा, वो इसके अपर पार्ट्स में भी जाएगा। अपर पार्ट्स में क्या हो सकते हैं, यहाँ पर कोई फ्रूट हो सकता है, कोई ग्रोइंग बर्ड हो सकती है, तो अपर पार्ट्स में भी वो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उसके अलावा इस लीफ के अंदर या इस लीफ के अंदर कोई फूड बनेगा तो इसके लोअर पार्ट्स में भी जाएगा, इसकी रूट्स में भी जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है वो क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, इट मे बी अपवर्ड एंड मे बी डाउनवर्ड। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं, देखो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में, ये दो तरह से हो सकता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कब होता है, जबकि आपका जो नॉन ग्रीन पार्ट है, नॉन ग्रीन पार्ट में मतलब रूट है, और जो ग्रीन पार्ट है मतलब शूट है, तो जब रूट और शूट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, इट इज़ वेरी स्मॉल, कम होती है ये, तो उस टाइम पर जो आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज मटेरियल्स होता है वो ओनली बाय द सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से हो जाता है। बट अगर नॉन ग्रीन पार्ट और ग्रीन पार्ट के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, लार्ज होती है, तब ट्रांसपोर्ट ओनली सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से नहीं हो पाता, उसके लिए प्लांट्स कुछ मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। वो मैकेनिज्म हो सकते हैं रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन्हीं के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। चलिए, अब देखो मैंने बताया था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो वाटर एंड मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है इसमें एक टिश्यू के थ्रू होता है, जाइलम टिश्यू। और ऐसे यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है, जिसको हम ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं, वो होता है फ्लोएम टिश्यू के थ्रू। अब ये जो जाइलम और फ्लोएम टिश्यू होते हैं, इनकी क्या इसके अंदर नीड होती है, देखो जैसे हमारी बॉडी के अंदर सब मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या होती है, ब्लड होता है, और ब्लड किसके अंदर से फ्लो करता है, वो करता है हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर से फ्लो। तो यहाँ पर भी ऐसी जाइलम वेसल्स और फ्लोएम वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, किसकी बनी होती है, जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू की बनी हुई होती है, तो ये भी इस तरह से इनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। देखो यहाँ पर आगे देखो, इसमें प्लांट्स नीड ए कंटिन्यूस चैनल ऑफ द ट्यूब्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो इस तरह से जैसे हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या है, एक ट्यूब्स का पूरा नेट फैला हुआ है। ओके, इन नेट ऑफ ट्यूब्स हमारी बॉडी के अंदर, ऐसे यहाँ पर भी प्लांट्स के अंदर भी एक नेट फैला हुआ है पूरा ट्यूब्स का, एक चैनल है कंटिन्यूस चैनल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दीज मटीरियल्स। तो इसलिए ये जो होता है, ये होता है जाइलम और फ्लोएम टिश्यू की हेल्प से, क्योंकि ये जो पूरा चैनल होता है ये किसका बना होता है, ये होता है जाइलम और फ्लोएम टिश्यू का बना हुआ होता है, इसलिए हम बोल रहे हैं देयरफॉर इट इज़ डन बाय द जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। और यहाँ पर जो जाइलम और फ्लोएम टिश्यू होते हैं, इनका दूसरा नाम वास्कुलर टिश्यू भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनको हम इसमें वेसल्स प्रेजेंट होती है जिनके थ्रू की ये जो होते हैं आपके ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड, वाटर और मिनरल्स का। और दूसरा इनका नाम कंडक्टिंग टिश्यू भी होता है, जाइलम और फ्लोएम टिश्यू का। क्यों होता है, क्योंकि ये इन मटेरियल्स को कंडक्ट करने का काम करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने का काम करते हैं, इसलिए हम इनको कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं, जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ को। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर, ये जो जाइलम आपका होता है, इट कंसिस्ट ऑफ फोर पार्ट्स, ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर। और इसमें भी जो आपकी ये होती हैं ट्रैकिड्स होती हैं और जो आपकी वेसल्स होती हैं, दे अलाउ द जाइलम टू ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल्स। मैंने आपको बताया था कि जो आपका जाइलम होता है वो हेल्प करता है वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में। इसमें भी जो इसकी ट्रैकिड्स और वेसल्स होती हैं वो किसमें, दे अलाउ द जाइलम टू ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ्लोएम पर। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब्स। इसमें जो आपका सीव ट्यूब्स होता है और कंपेनियन सेल्स होती है, इन दोनों के ज्वाइंट एक्शन से यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मीन्स ट्रांसलोकेशन होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। देखो यहाँ पर यह है जाइलम वेसल, तो जाइलम वेसल में यहाँ पर यह है आपकी
वेसल, इसमें क्या हो रहा है, जो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल हो रहा है, ओनली नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है। और यहाँ पर ये ट्रैकिड्स हैं, तो ट्रैकिड्स और जाइलम वेसल दोनों की दोनों क्या करती हैं, दे हेल्प इन दिस प्रोसेस इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। उसके बाद दूसरा हमारा यहाँ पर है ये फ्लोएम। फ्लोएम में ये क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर ये हैं आपकी सीव ट्यूब्स, और सीव ट्यूब्स की जो वॉल्स हैं यहाँ पर ये क्या है, ये है परफोरेटेड। परफोरेटेड मीन्स इसके अंदर होल्स हैं, ओके। और ये इसलिए हम इनको बोलते हैं सीव ट्यूब्स, क्योंकि सीव वो कोई भी थिंग सीव हो सकती है जिसमें कि होल्स होते हैं, उसको हम सीव बोलते हैं। तो इसलिए हम इनको सीव ट्यूब्स नाम देते हैं, क्योंकि इनमें क्या है, यहाँ पर इनमें होल्स हैं, ओके। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्स हैव एंड वॉल्स विद परफोरेशंस, और यहाँ पर ये है कंपेनियन सेल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंपेनियन सेल्स और आपकी सीव ट्यूब्स के ही ज्वाइंट एक्शन से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड अकर्स होता है इन प्लांट्स। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि प्लांट्स के किन टिश्यूज़ में यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो होता है जाइलम टिश्यू में, और किस टिश्यू में बाईडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है, वो होता है आपका फ्लोएम टिश्यू में। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल्स होता है उसमें दो मैकेनिज्म यूज़ होती है, पहली होती है रूट प्रेशर, दूसरी होती है ट्रांसपीरेशन, ओके। यहाँ पर ये आपने देखा होगा इसमें चार्ट में, देखो यहाँ पर जो आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल्स होता है इसमें दो मैकेनिज्म होती है, ट्रांसपीरेशन एंड रूट प्रेशर। और जो आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है, जो ट्रांसलोकेशन होता है, उसमें होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म यूज। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें रूट प्रेशर क्या होता है। देखो रूट प्रेशर में क्या होता है कि आपको पता है कि जो आपकी रूट सेल्स हैं, जो आपकी रूट्स हैं, और वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं किसके, सॉयल के, तो द रूट सेल्स आर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सॉयल। अब यहाँ पर भी देखो सॉयल में भी वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट है। मिनरल्स मतलब यहाँ पर जो ये रेड कलर के हैं ये मैं शो कर रही हूँ कि यहाँ पर मिनरल्स हैं, और यहाँ पर जो ये आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये है वाटर, ओके। तो यहाँ पर जो वाटर एंड मिनरल्स हैं वो सॉयल में भी प्रेजेंट है, और जो वाटर एंड मिनरल्स हैं वो आपकी रूट्स में भी प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि इसको जो मिनरल्स को है वो जाना है यहाँ से सॉयल से रूट के अंदर, तो अब इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना है तो ये क्या करेगा, तो ये यहाँ पर जो रूट सेल्स होंगी वो अपनी एनर्जी का यूज़ करेंगे, ओके। तो बाय यूजिंग इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी द रूट सेल्स टेक अप द आयंस या मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल। अब मिनरल्स जो है वो सॉयल से आपके रूट के अंदर एंटर कर गए। अब इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आयंस का कंसंट्रेशन या मिनरल्स का कंसंट्रेशन रूट सेल्स के अंदर तो ज़्यादा हो गया, लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो गया, सॉयल के अंदर कम हो गया। तो इस कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस है इसको एलिमिनेट करने के लिए, या दोनों को इक्विलिब्रियम स्टेट में करने के लिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से जो सॉयल से जो वाटर है वो इनके रूट सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। कौन सी प्रोसेस के थ्रू, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। जैसे कि किशमिश के अंदर जब सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो वहाँ पर किशमिश के अंदर वाटर एंटर कर जाता है, तो यहाँ पर भी क्योंकि सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना, मिनरल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर जो वाटर है वो यहाँ से सॉयल से आपकी रूट सेल्स के अंदर एंटर कर रहा है। अब क्योंकि आपको पता है क्योंकि जो जाइलम वेसल होगी उनके थ्रू क्या होगा, ये जो वाटर मिनरल्स होंगे वो क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जाइलम वेसल के अंदर एक कंटिन्यूस चैनल बन जाएगा फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और वो चैनल जो होगा वही हेल्प करेगा वाटर एंड मिनरल्स को यहाँ पर इसके पूरे लोअर पार्ट से इसकी टिप तक पहुंचाने में, ओके। तो यहाँ पर इस तरह से इसने रूट प्रेशर की वजह से एक ऐसा कंटिन्यूस फ्लो वाटर का प्रोड्यूस हो गया जो कि बिल्कुल एकदम मजबूती के साथ वाटर और मिनरल्स को इसके रूट से इसके पूरे अपर पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ओके। तो यहाँ पर ये आपका हो गया रूट प्रेशर के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होता है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्रांसपीरेशन पे। दूसरी जो प्रोसेस होती है वो होती है ट्रांसपीरेशन, जिसके कि थ्रू क्या होता है, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में। अब ट्रांसपीरेशन देखो क्या होता है कि आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो कंटिन्यूसली वाटर को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, कहाँ से, सॉयल से, रूट्स के थ्रू कंटिन्यूसली जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब किया जाता है, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, लेकिन वो जो वाटर होता है वो ओनली 2% ऑफ वाटर क्या होता है, यूज बाय द फोटोसिंथेसिस और अदर एक्टिविटीज़ बाय द प्लांट्स। जो बाकी बचा हुआ पानी होता है वो क्या हो जाता है, वो वाटर वेपर की फॉर्म में यहाँ से सारा इवोपरेट हो जाता है, ओके। सारा का सारा पानी क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है इवोपरेट होने की प्लांट्स के अंदर, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो इसकी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, क्या होती है डेफिनेशन इसकी, द लॉस ऑफ वाटर from the aerial parts of the plants
इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, क्योंकि वाटर वेपर की फॉर्म में होता है लोस, ये इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू होता है, इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. ओके, तो इस ट्रांसपिरेशन की वजह से यहाँ पर एक सक्शन पुल बन जाता है, एक पुल बन जाता है. उस वो जो पुल होता है वो क्या करता है, वो जो पुल होता है वो वाटर को यहाँ से इसकी जो रूट्स होती हैं, रूट्स से यहाँ पर पूरे इसके एरियल पार्ट्स में ले जाने का काम करता है. तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि आपकी, आप जब किसी भी स्ट्रो से क्या पीते हो, लिक्विड पीते हो, तो यहाँ पर आपने ऊपर से आप लिक्विड को सक करते हो, नीचे से इसमें जो लिक्विड होता है, ये जो आपका जूस होता है या पानी होता है, वो इसमें ऊपर चढ़ता चला जाता है. तो यहाँ पर भी बिल्कुल यही प्रोसेस हो रही है. तो यहाँ पर इसने क्या किया, ऊपर से ये क्या कर रहा है, सारा का सारा पानी यहाँ पर एटमोसफेयर में जा रहा है, हम बोल सकते हैं सक हो रहा है, ठीक है. और यहाँ पर इसमें एक सक्शन क्रिएट हो रहा है, एक सक्शन पुल यहाँ पर क्रिएट हो रहा है. वो जो पुल हो रहा है वो यहाँ से जो वाटर है वो रूट के थ्रू जो वाटर है वो उसको यहाँ से खींच के फिर ऊपर ले जाने का काम कर रहा है. और फिर यहाँ पे जो रूट्स होती हैं वो ये सक्शन पुल के थ्रू यहाँ पर ये सॉयल से भी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो इस वजह से यहाँ पर एक सक्शन पुल होता है क्रिएट, जो कि होता है ट्रांसपिरेशन की वजह से, जो कि हेल्प करता है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में. ओके, प्लांट्स के अंदर. अब आप यहाँ पर देखो इसमें कि जो आपकी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है ये कब ज़्यादा इफेक्टिव होती है, तो इट इज़ मोर इफेक्टिव ड्यूरिंग द डे टाइम. क्योंकि जो ट्रांसपिरेशन होता है वो क्या होता है, वो सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, इवोपरेशन वाटर का प्लांट से. तो इसलिए दिस ट्रांसपिरेशन मैकेनिज्म इज मोर इफेक्टिव ड्यूरिंग द डे टाइम. तो ऑब्वियसली जो दूसरी प्रोसेस होगी, रूट प्रेशर जो मैकेनिज्म होगी, वो मोर इफेक्टिव होती है एट द नाइट टाइम. अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसमें ट्रांसलोकेशन पर. ट्रांसलोकेशन मैंने क्या बताया था, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन द प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. और कहाँ पर ट्रांसलोकेट होते हैं ये सब, ये होते हैं रूट्स में, फ्रूट्स में और सीड्स में. फूड जो ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ पे होता है, फ्रूट्स, रूट्स और सीड्स में. अच्छा, ये मैंने बताया था, ये होता है सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स की हेल्प से, और ये होता है बाई डायरेक्शनल, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है. अब देखो यहाँ पर, अब इसकी मैकेनिज्म समझ लो, कैसे इसकी मैकेनिज्म होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है. सबसे पहले जो आपकी ये ग्रीन लीफ होगी, इसके अंदर क्या है, फूड प्रेजेंट है. और फूड देखो प्लांट के अंदर हम बोलते हैं सुक्रोज की फॉर्म में ये एब्जॉर्ब करते हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर भरपूर मात्रा में सुक्रोज प्रेजेंट है इसकी लीफ के अंदर, इसके ग्रीन पार्ट के अंदर. अब यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा क्या होगा, ये जो, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर फूड अभी कम है, तो यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा क्या होगा, यहाँ से लीफ से जो फूड होगा वो इसकी एडजेसेंट कंपेनियन सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा. यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज फ्रॉम द ग्रीन पार्ट टू द फ्लोएम. तो यहाँ पर फ्लोएम की कंपेनियन सेल ने क्या किया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा इसको फूड को यहाँ से एब्जॉर्ब कर लिया. अब फूड यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गया, तो अब यहाँ पर फूड हो गया काफ़ी अमाउंट में, लेकिन यहाँ पर जो ये इसकी पास में क्या है, सीव ट्यूब है कंपेनियन सेल के पास में, यहाँ पर फूड क्या है, यहाँ पर फूड कम है. तो अब यहाँ पर फूड यहाँ से कंपेनियन सेल से फूड यहाँ पर एंटर कर जाए, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, हम कह सकते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ फूड क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है. तो फूड यहाँ से कंपेनियन सेल से इसके सीव ट्यूब के अंदर एंटर कर गया. अब यहाँ पर भी, अब यहाँ पर क्या हो गया, ये जो आपका फूड था ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो गया. अब यहाँ पर क्या होगा, अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर वाटर एंटर करेगा. कहाँ से वाटर एंटर करेगा, जो इसकी एडजेसेंट या इसके जो नियर, जो इसका जाइलम टिश्यू है, जाइलम वेसल है, वहाँ से इसके अंदर वाटर एंटर करता है. ओके, तो यहाँ पर वाटर ने एंटर कर लिया. अब यहाँ पर वाटर ने भी एंटर कर लिया, पहले यहाँ पर बहुत सारा फूड भी हो गया, तो अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीव ट्यूब के अंदर प्रेशर क्रिएट हो गया. अब उस प्रेशर की वजह से क्या होगा कि जहाँ पर भी जो आपका सोल्यूट होगा, मतलब जो आपका फूड होगा, जहाँ पर भी उसका कंसंट्रेशन कम होगा, तो इस कंसंट्रेशन को क्या करने के लिए, इक्विलिब्रियम में करने के लिए जो फूड होगा वो इसके जो नॉन ग्रीन पार्ट होगी, जहाँ पर भी फूड की कमी होगी नॉन ग्रीन पार्ट्स में, वहाँ पर चला जाएगा. ऊपर अगर नॉन ग्रीन पार्ट कोई होगा, कोई आपकी ग्रोइंग बड होगी, या ऊपर कोई आपका फ्रूट होगा, तो उसके अंदर चला जाएगा. और नीचे कोई फ्रूट होगा या फिर जो रूट्स होती हैं उनके अंदर क्या हो जाता है, उनके अंदर ये जो आपका सुक्रोज होता है वो चला जाता है. तो इस तरह से यहाँ पर ट्रांसलोकेशन ऑफ सुक्रोज या ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड हो जाता है प्लांट्स के अंदर. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये, इसमें ये थोड़ा सा फ्लो चार्ट भी है कि यहाँ पर सुक्रोज एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्लोएम में, फिर फ्लोएम से यहाँ पर नियर जाइलम से ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा एंटर कर रहा है वाटर, फिर यहाँ पर हो गया बहुत सारा सीव ट्यूब के अंदर प्रेशर फूड का, और उस वजह से जहाँ पर भी लो कंसंट्रेशन है फूड का टिश्यूज़ के अंदर, वहाँ पर जो फूड होता है वो मूव कर जाता है. ओके, तो यहाँ पर ये ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई स्टूडेंट्स. आई होप आपके समझ में आ गया होगा.
और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.